हेलो एवरीवन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, ये चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आयु, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया और सिलेबस, सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए मेन वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट है उसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को हॉस्टल वार्डन की जो सैलरी है वो क्या रहेगी, तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग मिलेगी। बेसिक पे जो है वो 29,200 से और यहाँ पर सैलरी 92,300 तक आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन की। अगर आपने बीएड नहीं किया है, आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं है आप, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट के नाम से जो है ये जानी जा रही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय है, जहाँ पर आप लोगों को सैलरी के साथ में काफी अच्छी जो है यहाँ पर और भी जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, और आपके राज्य में ही जो है वो आप लोगों को जॉब करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हॉस्टल वार्डन की जो है मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग जो है वैकेंसी है। 335 वैकेंसी मेल की है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 137 है, ईडब्ल्यूएस की 33 है, ओबीसी की 90 है, एससी की 50 है और एसटी की 25 है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 334 सीटें हैं कुल, और इसमें अनरिजर्व की जो है जनरल कैटेगरी की 136 हैं, 33 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 90 हैं, एससी की 50 हैं और एसटी की 25 हैं। ठीक है, तो कुल जो संख्या है हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी की वो 669 है। तो क्वालिफिकेशन और एज जो है वो आप देख लें यहाँ पर। हॉस्टल वार्डन के लिए 35 साल जो है आप लोगों की अधिकतम होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो बिल्कुल मिल रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, अदर कैटेगरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है, या आपने जो है वो बैचलर डिग्री आपने जो है हासिल की है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी जो है वो जॉब रहने वाली है, एक तो परमानेंट जो है ये वैकेंसी रहेगी। अभी जो है एज रिलैक्सेशन में जो है वो बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर कि जो वुमेन ऑल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है, तो अगर टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो ही जो है यहाँ पर 10 साल की जो है वो छूट दी जा रही है। ठीक है, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट। बाकी जो पोस्ट हैं आपकी, जैसे हॉस्टल वार्डन है, पीजीटी है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर नहीं है। तो और जो कैटेगरी हैं उनको मिल रहा है यहाँ पर, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एससी, एसटी को जो है वो 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और उसके बाद जो है वुमेन का मैंने बता दिया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी की जो है यहाँ पर वुमेन के सहित अगर वो एससी, एसटी कैटेगरी के हैं तो 15 साल की छूट है, ओबीसी 13 साल की छूट है और जनरल की यहाँ पर 10 साल की छूट है। इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि कई जो है स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है ये कि वुमेन ऑल कैटेगरी की ऑल पोस्ट के लिए 10 साल की छूट नहीं है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट। तो अभी जो है सिलेबस आप देख लें यहाँ पर, सिलेबस जो है 120 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम रहेगा। इसमें जो है आपके 6 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपकी जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जीके जीएस रहेगा, पार्ट 2 में आपकी रीजनिंग, पार्ट 3 में आईसीटी कंप्यूटर पूछा जाएगा, पार्ट 4 में आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बच्चों से संबंधित जो एक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो आपको पढ़ने होंगे, पार्ट 5 में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, और पार्ट 6 जो है जिसमें आपको भाषा हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इसके 10 10 10 यानी 30 मार्क्स के जो है वो आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन रहेंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 घंटे का जो है वो आप लोगों को एग्जाम में समय यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एस सी, एस टी, पी डब्ल्यू वी डी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फीस जो है यहाँ पर नहीं लगेगी। जनरल कैटेगरी की जो फीस रहेगी यहाँ पर और ओबीसी की, तो हॉस्टल वार्डन के लिए जो फीस है यहाँ पर है 1,000 रुपीज। तो अप्लाई करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने स्नातक कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ सीटेट, बीएड ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है, तो आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, रिक्रूटमेंट जो पेज है उसको ओपन करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आप लोगों के लिए जो है यहाँ नोटिफिकेशन और अप्लाई का ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4th नंबर पर आप देखें अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन। ठीक है, तो इस पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है।
तो यहाँ पर जो स्टेप लिखे हुए हैं कैसे जो आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन करना होगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन आपको पेमेंट करना होगा फीस। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।